यार वो दिन आ चुका है जिसका मेरे को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो यार अभी टाइम हो गया है, जैसे कि आप मोबाइल में सामने देख रहे होंगे, सुबह के 3:29 हो रहे हैं मॉर्निंग में, और हम निकल चुके हैं जयपुर से लद्दाख। अभी जस्ट घर से निकला हूँ मैं, घर से वो लोग स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि यार बाकी बच्चे वो लोग सो रहे थे, दीदी वगैरह जो सब उठे हुए थे। तो भाई जल्दी इसलिए निकले हैं इतना कि भाई गर्मी में यार राइड करना बहुत मुश्किल होता है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पर। तो भाई ठंड में बाइक राइड करेंगे और सुबह सुबह का मज़ा भी अलग ही रहने वाला है, ना अपन को कोई ट्रैफिक मिलने वाला है, ना कोई चिक-चिक है फालतू की जो लोग फटाफट बिना किसी वार्निंग के सड़क क्रॉस करते हैं ना, उन लोगों से छुटकारा मिलेगा अभी मॉर्निंग में, और उस मॉर्निंग के अंदर हम पूरी सिटी को क्रॉस कर जाएंगे। तो यार भाई लोग आपको ही मिलवा देते हैं, हमारे जो फर्स्ट राइडर है दीपक भाई, जो मेरे फ्रेंड के कहीं भतीजे लगते हो ना, भतीजे लगते हो ना अनिल के? हाँ जी, ये मेरे फ्रेंड के भतीजे हैं और ये बाइक लेके जा रहे हैं, कौन सी है ये? लेके जा रहे हैं भाई, ये 160 cc है ना ये? बैग वगैरह नहीं लेके आए आप? सामान दोनों का इसी में? ना मेरा ही है। अच्छा वो लेके आए हो, ओके ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हेलमेट लगाओ आप और आगे आप चलोगे या मैं चलो? आगे आप ठीक है। तो अब आगे का अपन लगा लेते हैं, चंडीगढ़ ही लगा लेते हैं अपन सीधा, ऐसी लोकेशन लगा लेते ना, ब्रेक नहीं वो तो लेते रहेंगे अपन, वो लेते रहेंगे, लेकिन आगे की लोकेशन लगाने से ये रहेगा कि ये उसी का रास्ता ही दिखाएगा डायरेक्ट। तो भाई अब चलते हैं आगे, आपके दीपक भाई आ गए हैं और हम लोग सेम टाइम पे यहाँ आए हैं, 465 दिखा रहे हैं। भाई अब हो गया है अपनी बाइक को पेट्रोल पिलाने का टाइम, अभी तक हमने करीबन 70 के आसपास डिस्टेंस कवर करी है। फुल कर लेना दीपक भाई, फुल कर लेना। जीरो, आप सामने तो खड़े हो जाते हो, कहाँ दिखेगा? दिख रहा पहले दिखाना चाहिए स्टार्ट करने से पहले, देख ही जाओ सर, मैं तो झुक रहा था सर, मैं मालिक हूं 1 रुपए। नहीं 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 वो कोई टेंशन नहीं है, बट अरे कोई नहीं, पीछे रहा कर दिया आप, दिखाया कर जी रो मेरे सामने नहीं बोला है, बोला कर सामने लो जी देखो। यार हमें घुसना पड़ गया है हरियाणा के खेतों में, और ये हमारे साथ ये चोट हो गई कि जो पहले एक्सप्रेस होती ना, पहले इसे 2 बार गया हूँ, दोनों बार ये ओपन थी, लेकिन अब बाइकर्स के लिए इसको ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ से नारनौल के जस्ट आगे से। तो अब आपको महेंद्रगढ़ वाली रोड लेके जानी पड़ेगी, तो हम 4-5 किलोमीटर आगे चले गए थे टोल टैक्स से हम लोगों को वापस। तो अभी हम लोग हरियाणा के खेतों में से गुजर रहे हैं, ये
हरियाणा में एक जगह है जहाँ पे हम लोग रुके हैं अभी। हमें एक्चुअली PUC बनवाना है बाइक का, तो पॉल्यूशन कार्ड बनवा लेते हैं। दोनों के पास ही नहीं है, हमारे पास दीपक के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो ये बनवा लेते हैं यार, क्योंकि आगे कहाँ मिले ना मिले तो पता नहीं है, तो बेहतर है यहाँ पर दिख गया तो ये बनवा लेते हैं अभी। ये बेटा भाई हमारा उठे, ये रही इसकी होंडा इनेस भाई, वाट लग गई वैसे। ये चरकी दादरी वाली रोड थी ना, इतनी घटिया रोड है भाई जिसकी हद ही नहीं है। अरे भाई भाई पिछवाड़ा सुना हो गया पूरा, बस हाँ है ना, और उसके आसपास अपन निकल लेते इधर। एक घंटे से बैठा ही हूँ, वेट कर रहा था उनकी भाई आए तब चले। भाई तो अकेला भी जाके क्या करता। अरे हालत खराब हो गई भाई इसने। चलो यार भाई अब हम यहाँ पे रुक रहे हैं थोड़ी देर, रुकेंगे तो खाएंगे पियेंगे उसके बाद में निकलेंगे आगे। यह है हमारा हुकुम भाई जो पिछली बार अपने साथ गया था लद्दाख, और दीपक से तो आपको मिलवा ही दिया। तो यार निकलते अभी थोड़ी देर बाद में यहाँ से। तो भाई यहाँ पे हम लोग रुके थे, ये चरकी दादरी से आगे पड़ता है ये, वो जगह का नाम एग्जैक्ट कौन सी है यार। तो यहाँ पे हमने आलू पराठा खाया दाल और दही के साथ में, एक एक चाय पी। अब यहाँ से निकलेंगे आगे, और चंडीगढ़ यहाँ से 190 किलोमीटर है। तो यार सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो गई यार बाइक की, थोड़ा पानी डाल लेते हैं। कहाँ रह गया वो, कहाँ रह गया। चल एक कॉल पे बात कर लेता हूँ मैं भी। हैं लू लग रही है यार। मेरे को भी वही लग रहा है, लू लग रही है साला, गर्मी तो कम लग रही है लू ज़्यादा लग रही है। साइड वाले साइड ये नहर पूत रहा, नहर तो रे इधर है। नहर वो तो पीछे रह गई, आप आगे निकल गए थे ना। हाँ आप आगे निकल गए थे, हम पीछे थे, तो फिर मुझे चल छोड़ कोई नहीं। ये देखो भाई लद्दाख ऐसे आसानी से नहीं जाया जाता, लद्दाख जाने से वाले ये सब देखो आप। कहाँ कहाँ रुक रुक के क्या ही करना पड़ता है भाई गर्मी से बचने के लिए।
तो यार भाई धूप इतनी तेज है कि भाई क्या करे, लूके थपेड़े खाते खाते अभी चंडीगढ़ है 140 किलोमीटर यहाँ से, और हम सड़क के किनारे थोड़ा अच्छा सा पेड़ मिल गया, तो हमने लगा कि यार बाइक को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और अपन भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, तो बस यहाँ पे थोड़ा बैठ गए हम लोग। बस अब यहाँ पे थोड़ी देर आराम करते हैं 20-25 मिनट, फिर वापस चलेंगे। भाई सड़क के पास दिखिए तो खेत में, तो जा रहे हैं यहाँ पे, यहीं से नहाएंगे धोएंगे, बाइक को खड़ा करने के लिए ऑप्शन नहीं है। अरे अमरूद भी लगे हुए क्या? अमरूद नहीं है, कोई है क्या यहाँ पे आदमी? कोई है? रेल भी बड़ी तगड़ी वाली चल रही है। अरे एकदम ठंडा रहेगा भाई। ये भरा हुआ है हमारा स्विमिंग पूल, ट्यूबवेल चल रही है, और अभी हम लोग हैं हरियाणा में, तो भाई आज हम मज़े लेने वाले हैं यहीं पे 1-1.5 घंटा। और ये अमरूद की छांव है ऊपर पे, अमरूद का पेड़ है, तो भाई भाई मज़ा आ रहा है पानी में, इतना चिल्ड पानी है ट्यूबवेल का, और एक अच्छा सा स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है, होद बना हुआ है छोटा, ये करीबन होगा 6x12 के आसपास की इसकी वेट है, लंबाई है भाई, लेकिन पूरी गर्मी है ना वो पूरी भग चुकी है। अभी हम यही 1-1.5 घंटे इंजॉय करने वाले हैं, इसके बाद में जाएंगे घर, आगे चंडीगढ़ घर नहीं सॉरी चंडीगढ़ घर। यहाँ पे हम लोग नहा रहे थे अभी इतनी देर से, यहाँ पे हम लोगों ने करीबन 2 घंटा स्पेंड किया है, तो ये ट्यूबवेल अभी चल रही है, और अब हम लोग निकल रहे हैं आगे भूख लगी, तो ये कुछ जगह देखे बनाना चाहिए। रोड के बगल में ही था दिख ही गया, तो हम लोग आ गए। अच्छा रास्ता है, तो इसमें थोड़ा सा आगे हमें घूम करके आना पड़ेगा, सब देख करके तो कोई नहीं आएगा ना साथ।
बजे का टाइम हो गया भैया, 8 बज गए हैं। चलो आगे लो भाई, ये लिए भाई होटल ला विस्टा। हे भाई लोग, मॉर्निंग यार, काफ़ी थकान के बाद में यार एक अच्छी नींद हुई है। कल व्लॉग में एंड कर ही नहीं पाया। कल हमने रूम लिया, होटल ली यहाँ पे चंडीगढ़ में, और उसके बाद में खाना खाने चले गए। खाना खा के आए और भाई सो गए आते ही, हिम्मत ही नहीं थी कुछ भी, तो बहुत अच्छी नींद आई। और उसके बाद में अभी उठे, आज हो गई है 19 मई और सुबह का भी 7 बज रहा है। तो हम मनाली लेते आज, बट जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि जो हुकुम के होंडा आईनेस है उसमें स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो कभी कभार स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो यहीं पे सर्विस सेंटर है तो उसको दिखानी है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम करे इससे बढ़िया यहीं पे सर्विस सेंटर है तो दिखा लेना है। आगे सर्विस सेंटर भी नहीं है होंडा का, ना मनाली में ना लेह में, तो यहीं पर वो दिखाएगा। तो उसको 9 बजे तो सर्विस सेंटर ओपन होएगा, उसके बाद भी जाएगा, तो अराउंड हम 10-10:30 बजे के आसपास अभी यहाँ से निकलेंगे चंडीगढ़ से। तो वही धूप में बाइक चलानी पड़ेगी आज फिर से उसकी वजह से, नहीं तो हम जल्दी निकल जाते आज। बट कोई नहीं यार, अपन कुछ कर नहीं सकते, ये सब जो चीज़ें हो जाती है सडन वो हो जाती है और उनको सही करना भी ज़रूरी है। तो भाई ये रूम लिया था फिर हमने कल, और ये पड़ा हमारे को 1400 रुपये का, और हम 3 लोग इसमें रुके हुए थे रात को। और अगर आपको मैं रूम दिखाऊँ, कुछ ज़्यादा बड़ा स्पेसियस नहीं है, एसी लगी हुई है, टीवी लगा हुआ है, बाथरूम बहुत बढ़िया है, आपको दिखा देता हूँ एक बार देख के बड़ा। तो ऐसा कुछ रूम है यार, हमारा पूरा सामान ऐसे कैसे पड़ा हुआ है भाई, जैसे जो हेल्पर दो था हमारा सामान लेके आया ऊपर, उसने जैसा रखा वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है भाई। इधर एक एक्स्ट्रा बेड लगा दिया था उन लोगों ने, अब 3 बंदे थे तो एक्स्ट्रा बेड लगा दिया, एसी लगी हुई है, और इधर बाथरूम है, बाथरूम में अभी हुकुम ना रहा है, और ऐसा कुछ सीन है भाई। भाई ये आ गए हमारे, अबे कौन से तू, लाइव चल रहा है मतलब गाड़ी ला, लाइव चल रहा है, गाड़ी ना दे दियो, तेरी आदत ना जाएगी अभी गाड़ी देने की। लो भाई ये हमारा सबसे खड़ूस इंसान जो 2011 से परेशान किया जा रहा है, अरे अनिल भाई ये, और नए मेंबर है, इनसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अनिल से। ये हमारे लेह तक अब ग्रुप के नए मेंबर बन चुके हैं, और इन्होंने कल का दिन बहुत मिस किया। तो कोई नहीं यार, अब निकलेंगे, अभी 2 घंटे हैं यहाँ पे, थोड़ा नहाएंगे धोएंगे उसके बाद निकलेंगे। तो यार आज का व्लॉग तो यहीं एंड करेंगे, नया व्लॉग जब आज की राइड स्टार्ट करेंगे तब होएगा।